एएमआई न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया राजपूत। भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक संबंध दिन ब दिन बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हड़कंप उस समय मच गया जब भारत ने कनाडा के नागरिकों पर भारत आने पर रोक लगा दी। इसको लेकर काफी हड़कंप मच गया। तो बता दें आपको, जब समाचार एजेंसी, एक निजी समाचार एजेंसी ने भारत वीजा एप्लीकेशन सेंटर कनाडा के हवाले से सूचना दी कि अगले आदेश तक कनाडा नागरिकों के भारत आने पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने वीजा जारी नहीं करने का जो है फैसला किया है। हालांकि कुछ मिनट बाद ही अपडेट जानकारी दी गई कि BLS वेबसाइट ये नोटिस हटा लिया गया। पहली सूचना के मुताबिक भारत वीजा एप्लीकेशन सेंटर कनाडा ने कहा है कि परिचालन कारणों से 21 सितंबर 2023 से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया। कृपया आगे के अपडेट के लिए BLS वेबसाइट देखते रहें। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से तनाव है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में कहा था कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। इसके तत्काल बाद ही कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने भी कनाडा के डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर नई दिल्ली छोड़ने को कह दिया। दोनों देश में अपने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी हो चुकी है। कनाडा में वीजा आवेदन केंद्र चलाने वाले BLS इंटरनेशनल ने संबंध में अपनी कनाडा की वेबसाइट पर एक संदेश को पोस्ट किया। इसमें लिखा, भारतीय मिशन से महत्वपूर्ण सूचना, परिचालन कारणों से 21 सितंबर 2023 से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। ये पहली बार है जब भारत ने कोविड-19 महामारी के बाद वीजा निलंबित किया है।